नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा तथा नवजोत कौर सिद्धू ने किया वार्ड नंबर 26 में ट्यूबवेल का उद्घाटन। निजी बस चालकों ने किए बस के चक्के जाम, नजायज हो रहे हैं पर्चे, दर्ज पर्चे किए जाएं रद्द, कहा बस ड्राइवर्स ने। एक बार फिर सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही। अब खबरें विस्तार से। सिख कौम में हो रहे पतितपन के मामले में अकाल तख्त साहिब ने 4 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे लोग सिख धर्म के साथ जुड़ेंगे और सिख धर्म का प्रचार और प्रयास होगा। वहीं उनका कहना है कि आज प्रबंधों का ढीला रवैया है, जिस कारण युवा पीढ़ी सिख धर्म से बिछड़ रही है। अब देखना ये होगा कि सिंह साहब के आदेश पर आम जनता क्या करती है। वहीं नेपाल में आए भूकंप का शिकार हुए लोगों की राहत के लिए जहां एसजीपीसी कार्य कर रही है, वहीं देश विदेश से भी मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। वहीं आज अमृतसर में इंग्लैंड से आए सिख समुदाय के लोगों ने 2,85,000 रुपए जथेदार श्री अकाल तख्त को भेंट किए। सिखी दे विच दिनों दिन गिरावट आउंदी जा रही है। कारण यह है कि जिसनों भी कहो भी ये तुसी अपने बच्चों नूं थोड़ी जी ताड़ना करके प्यार नाल उन्हें समझाउणा करो, अगों उत्तर यही मिलता जी एक बच्चा की करिए। जिहनूं असीं झिड़कदे हाँ रोकदे हाँ तो हो सकता भी घर छड के चले जाए। थोड़े बड़े थोड़े समय की गल जानते हैं, साडे बजुर्गों के कई दे 5 सी, किसी दे 7 सी, किसी दे 8 सी, सारे बच्चे सी। जे बच्चा थोड़ी जी गलती करता सी तो उन्हें घूरते भी सन, उन्हें घूर के उस असली रस्ते ते ल्याउंदे ल्यांदा जांदा सी। कोई जरूरी नहीं 3 हो जाण 4 हो जाण, 3 तो चाहिए घट्टो घट्ट 3-4 मैं बच्चे कहे। तुहानू सारे नूं मेरे नूं ज़्यादा पता होना है, सरकार दा किनारा सी 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। जे सरकार 3 बच्चों की गल कहती है तो ठीक है, जे जथेदार कहता तो गलत है। सिखी का प्रचार ता ही करांगे ना साडे बच्चे गुरमत दे नाल जुड़नगे। जे दूसरे पासे असी सियासी पक्ष नूं लईए तो अज भी वोटां दा राज है। सारी दुनिया थर थर कंबदी है इस्लाम तो, कहिंदे वी उन्हां कोल वोटां ज्यादा ने, ठीक है ना। हिंदुआ ने कई बारी अखबारों च बयान दे चुके ने, साडा बयान तो सब तो पहलू आया है तो नारे। ये बयान अज का नहीं गा, ये बयान बहुत पुराना है। मैं तो हज हूं भी कहना भी घट्टो घट 3-4 बच्चे चाहिए ने। ना सिखन की जर है धर पर, ना सिख ग्रह न मोर खायो, हो ना सकै जर पीर पैगंबर, अम्बर है मैं हम लांबर लायो, तुरकन बिरशन पे अमर मेल वेल मनो दरसायो, खालसा अमर वेल वर्गा है। यदि जड़ धरती च नहीं, ये शब्द तो पैदा होंदा है, अमृत छक के खालसा बनता है। इस करके ना किसी तो खतरा है ना हो सकता है, पंथ चढ़ती कला में ही जाएगा। इस बारी नेपाल काठमांडू बहुत वड्डी आफता भूचाल के कारण हज़ारा ही मौत हो गई, सैकड़े घर ढह ढेरी हो गए। जिस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, होर भी बहुत सारिया सिख संस्थावां वालों, होर भी धर्मां दीआं संस्थावां दे वालों उत्थे बहुत सारी राहत समगरी पहुँचाई जा रही है। इस प्रकार ही सरदार रणबीर सिंह जी जो प्रधान ने गुरद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी डाटफोर्ड, उत्थों विशेष करके आए ने, जो 3,000 पाउंड उन्होंने इस राहत फंड दे विच सेवा करवाई है। और इस प्रकार सरदार जसवंत सिंह जी पूनिया, उन्हां वल्लों 11,000 रुपया इस राहत फंड दे वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब विखे पहुँच के दास नूं समर्पण किया है, जो गुरु घर के खजाने विच जमा करवा के जो भी उत्थे रस्तां जा रही ने, दवाइया जा रही ने, जिस तरह के भी वस्त्रां की लोड़ है उन्हां वस्त्रां दे वास्ते, रस्तां वस्त्रां वास्ते माया खरीद जिहड़ी खर्च की जानी है। और समुचियां संगतां नूं अपील है कि असीं दुखियां दर्दां की सहायता करन वास्ते हमेशा ही अगे आईए। किसी प्रकार की भी किसी ते कोई विपता पैंदी है, बिना जात बरादरी दे, बिना मजहब दे भरम भेद तो सानू सारयां दी ये मदद करनी चाहीदी है। ये नेपाल दे वास्ते सिंघां ने ये सेवा भेजी अदास श्री अकाल तख्त साहिब वालों।
इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। असी जो भी नेपाल दे विच भूचाल आए है उहदे लई असी माया कतर कीती सी, जो असी योग समझिया कि साडे जथेदार साहब अकाल तख्त साहब जी इन्हां नूं असी उह श्रोमणी कमेटी नूं उह जिहड़े पैसे है उह असी दईए, साडे जिहड़े पैसे सही जगह ते लगणगे। साडे दरबार साहब तों हरिमंदर साहब तों काफ़ी इत्थों रस्तां उत्थे जा रहियां, बहुत भेजियां साडे श्रोमणी कमेटी ने, इस करके असी उह जिहड़ी माया इत्थे हरिमंदर साहब देण आए सी। अज माया 3000 पाउंड सी जी, मेरा ख्याल 2,85,000 रुपया होएगा उह। सो मैं अपने वालों साडे ब्रेडफोर्ड की सारी साध संगत का धन्यवाद करदा जिन्होंने इन्नी माया इकट्ठी की। अमृतसर वार्ड नंबर 26 के तहत पड़ते इलाका कटरा में मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा और CPS नवजोत कौर सिद्धू ने नए ट्यूबवेल लगाने के कार्य का उद्घाटन किया। काउंसलर रमा महाजन की मौजूदगी में 23 लाख की लागत से लगने वाले इस ट्यूबवेल से लोगों की पानी की समस्या का संपूर्ण हल होगा। इस मौके पर मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा तथा नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वह शहर के विकास के लिए वचनबद्ध है और आए दिन विकास के अलग अलग कामों की शुरुआत की जा रही है। इस मौके पर काउंसलर रमा महाजन, आशीष महाजन, अशोक झंडोक, अनिल महाजन, मोहित महाजन, मनीष महाजन आदि उपस्थित थे। अज 26 नंबर वार्ड कटना बगिया के असी एक तो मेयर साहब ने बहुत मेहरबानी की है ट्यूबवैल, क्योंकि इतने का बैठ गया सी, पीने वाले पानी की बहुत दिक्कत सी, 23 लाख रुपए का ट्यूबवैल नवा लग रहा इतने। बाकी ईस्ट के 26 नंबर पूरे वार्ड के प्लस ईस्ट के भी काम चल रहा है, वो वाटर सप्लाई तो सीवरेज का काम, यह टोटल 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिदे सारा सेवर पेगा तो पीने वाले पानी की पाइपा पैनगी। नगर निगम के वार्ड नंबर 26 अज ट्यूबवैल का उद्घाटन करने वास्ते मैं अपना भैन नवजोत कौर सिद्धू जिहड़े कि साडे CPS ने उन्होंने नाल और कौंसलर रमा महाजन जी नाल इत्थे आया वा। ट्यूबवैल का उद्घाटन असी कीता है, 23 लाख का वो प्रोजैक्ट है ट्यूबवैल का, बहुत जल्दी जिहड़ी इत्थे पानी की प्रॉब्लम सी वो हल हो जाएगी इस ट्यूबवैल के लगन के नाल। नगर निगम अपने लिमिटेड रिसोर्स के विच जिथे मैक्सीम काम है वह करवा रहे हैं, डिवेलपमेंट के लगातार तुसी देख रहे हो कि जगह जगह के उत्ते मतलब जोड़े काम जोड़े ने हो रहे हैं, वो सड़कों का चाहे पानी का ट्यूबवैल का हर ज पक्षों काम हो रहा है। दूसरे काम वास्ते असी अज उद्घाटन जरा करने इतने इकट्ठे हुए हैं वो वाटर और सीवरेज का पाइपा बदलनी है, जायका के अंदर प्रोजैक्ट है 12 करोड़ का प्रोजैक्ट है, ये जड़ियाँ पाइपा अज तो 50-50 साल पहले कितने वाटरस दियाँ पई हुई हैं, अज जिसले उस पाइपा क्ढने तो बिल्कुल गल चक्की है और ही सीवरेज का और वाटरस का पानी मिक्स हो जाता वै। हूँ असी सारे सिस्टम चेंज कर रहे हैं, नवी जो वाटर पाइप और पा रहे हैं, सीवरेज की पाइप पै गई है और वो बाद फिर सड़क भी बना दी। मैं बहुत धन्यवादी हाँ मैडम नवजोत कौर सिद्धू जी दे, बख्शीराम अरोड़ा जी दे, जिन्होंने 26 नंबर वार्ड विच इन्ना विकास कार्य कराया है। बहुत ज़्यादा इतने जरूरत सी काम की, जाजगढ़ का इलाका है उत्थे भी काम चल रहा है, इतने गलियां च भी चल रहा, वाटर सप्लाई का हो गया, हुण सीवरेज का चल रहा काम, गलियां भी पक्कियां कीतियां जाणगियां ते होर भी सारे काम जिहड़े नाल नाल कीते जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी हां जिन्होंने आके इत्थे मूरत कीता ते लोगों को आश्वासन दिता कि इस तरह विकास कार्य चलते रहे। मोगा बस कांड के बाद लगातार बसों में बढ़ रही छेड़छाड़ और तंग परेशान करने की घटनाओं के खिलाफ हो रहे केसों से परेशान होकर निजी बस चालक और कंडक्टर्स आज एकाक और बिना किसी को सूचना दिए हड़ताल पर चले गए हैं। इन बस चालकों और कंडक्टर्स का आरोप है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी केसों की जांच की जाए और उसके बाद उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। वहीं बसेस की हड़ताल होने से मुसाफिरों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कारण यह है जानबूझ के साडे ड्राइवरां कंडक्टरां नाल बहुत बेइंसाफी हो रही है जी। पार्टियां वा ठीक है जी, जंग सरकार दे विरुद्ध है। ये देख लो ड्राइवर कंडक्टर किन्नी के लोग रोल किन्ना के मतलब वध घट कर रहे तुहानू पता ही है। हाँ जी, असीं तां अपनी जान बचाउण दा करके हरेक नूं जी आया, जी उतरो जी करो जी जे वो सब कुछ करीदा जी। हैं जे कोई घरों परेशान आउंदा वो साडे ते आ के हैवी हुंदा वी ड्राइवर ने आह कीता कंडक्टर ने आह कीता, ठीक है असीं की कर सकदे हां जी। हैं
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਹੜਤਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਪਰਚੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, अगले काम होंदा कोई जरूरी घर दे विच कोई एमरजेंसी होंदी कोई पहुंचना चाहिए टाइम नाल, उन्हें घर भी अपना कोई देखभाल के नूं कोई घर पेंस बीमार हो कोई उन्होंने जाके वेखना चाहिदा, तो इस करके बसा तोरनी डियां तो इन्हों तोरनिया चाहिए। हड़तालां जे हो जाएंगे तो फिर आ जो रोटी जा जिगार जुगे कितों जाएंगे, ये कि इन्होंने कितने जाना। स्थानक सरकार डॉक्टरी शिक्षा और खोज मंत्री पंजाब श्री अनिल जोशी की तरफ से आगोश हॉलिडे हैंड सोसाइटी को 50,000 रुपए की राशि की ग्रांट का चेक दिया गया। इस पर संस्था की तरफ से रानिकाबाग अमृतसर में चलाए जा रहे स्कूल में डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन को विद्या पढ़ाई के साथ ही उनको सेल्फ डिफेंस की शिक्षा भी दी जाती है ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि सोसाइटी की तरफ से बहुत ही नेक काम किया जा रहा है जो कि सराहना के लायक है, साथ ही कहा कि इन बच्चों को विशेष प्यार और सहयोग की जरूरत है। इस मौके पर पार्षद अमन तनेजा, अमन एरी, स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती मनिंदरजीत कौर, चेयरमैन श्री कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, भूपिंदर सिंह, मैडम पूनम, श्री राकेश मिंटू आदि उपस्थित थे। देखो ये बच्चे ते बाकी बच्चों नो ज्यादा प्यार लैन वाले बच्चे है, बाकी परमात्मा ने थोड़ी कमी पेशी रखी है, फिर नाल इंसान की ड्यूटी लाई है भी वो सेवा जी है इंसान नु दित्ती है, पर यह है कि जो इन्होंने बच्चों प्यार मिले इन्होंने केयर मिले तो यह भी बाकियों वांगू पूरा प्रॉपर अपना आप संभाल भी लेंदे आ, काम भी करते हैं। जिस तरह साडे मित्र आ ये पूरा कीर्तन यादाश्त बड़ी आ, बहुत सोहना कीर्तन करते हैं, तो इन्ना वधिया रस भिन्ना कीर्तन है मैं सुनिया, मैं आप हैरान रहना, सब बिल्कुल समझ आ पूरी सोची आ सारा कुछ आ, बस भी अगोश संस्था जिहड़ी आ ये काम कर रही, बड़ा पवित्र काम है, परमात्मा का काम है, असली धर्म का काम है ये। मैं तो तुश जी एवं एक सहयोग है, मैं अगे तो भी इन्हों जो अशोरेंस करदा दिना कि पूरा अभी इन्होंने ध्यान रख के जो भी मेरे जिम्मे को ड्यूटी है होर लाने असं जरूर कर। असी हार्दिक तौर पर साढ़े मंत्री साहब श्री अनिल जोशी जी उन्हों का धन्यवाद करते हैं। और सर जितों तक तुम मेरे कीर्तन की गल की, मैं तो हर स्टेज पर एक गल कहना हूं कि गूंगा सा कुछ कहण जोगा हो गया, झलक तेरी सहण जोगा हो गया, ऐसी बख्शी कायनात मेरे सतगुरां ने कि अज मैं इन्हां वर्गियां रब वर्गियां रूहां दे विच बहन जोगा हो गया। और हार्दिक तौर पर धन्यवाद तुहाडा सारयां दा और साडे सत्कारयोग मंत्री साहब का जिन्होंने सानू इन्ना प्यार इन्ना सत्कार दिता है, और असी चाहते हैं कि परमात्मा इन्हां वर्गियां रूहां हर एक नूं दिंदा रहे और साड़ी सेवा करते रहन, और हर मैदानों दीवानों सतगुरु ने फते बख्शे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। पहले तो मंत्री साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अज साड़ी जरूरत पूरी की है, और ये सच्चाई है कि यह बहुत ही जरूरी सी साडे वास्ते, जिहड़ा मंत्री साहब जी ने अज सानू चेक दिता साडे बच्चियां नूं वैन वास्ते, असी यह पैसे नूं वरतों च लियावांगे। महानगर में जलियांवाले बाग से निकाले गए आम आदमी पार्टी के रोड शो के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल की भाजपा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा, महामंत्री सुरेंद्र शर्मा, सुखमिंदर पिंटू, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी जनार्दन शर्मा, कंवर जगदीप सिंह आदि ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया है जो कि निंदनीय है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। ये कैसे देशभक्त जो इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, और ऐसे देशभक्त जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत का जाम पिया, ये उस देशभक्त के मन की बात है जो इन शब्दों में कही है। और उस राष्ट्रीय ध्वज, जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए
हमारे देश के लाखों सैनिक इस देश की सरहदों की रक्षा के लिए शहादत का जाम पी जाते हैं, और ये राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान का प्रतीक है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारा आदर्श शहीद आजम सरदार भगत सिंह है, वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिसने इस राष्ट्रीय ध्वज को चूम करके शहादत का जाम पिया, वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिसने इस राष्ट्रीय ध्वज की आन बान और शान के बदले अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस राष्ट्रीय ध्वज को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक रैली के आयोजन में इस तिरंगे का इस्तेमाल करना अपने आप में बहुत ही लज्जाजनक और बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीदी स्थल जलियांवाला बाग, जो अपने आप में एक पूरे देश की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बहुत जीती जागती शहादत की मिसाल है, वहाँ से उन्होंने इस रैली का आयोजन किया और पूरे रास्ते भर में इस राष्ट्रीय ध्वज को एक राजनीतिक पार्टी के ध्वज के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये जो आज इन्होंने किया है वो अपने आप में एक इसलिए सवाल खड़ा करता है, क्या हम अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? मेरे से बहुत जानकार, बहुत से कानून के जानकार इस बात को समझते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कानूनन जुर्म है। सो मैं तो उन कानून के जानकारों से आपके चैनल्स के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आज जिस तरह से आम पार्टी के नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान किया है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उस कानून के तहत इन सब पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों मोगा में हुए बस कांड को लेकर बेकसूर ड्राइवर्स पर जो नजायज पर्चे किए जा रहे हैं, उसी संबंध में कादिया के बस स्टैंड चालक की तरफ से हड़ताल करके सरकार के विरुद्ध चलाए जा रहे काले कानून के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते बस ड्राइवर प्रदीप सिंह अजीत कुहाड़ ने बताया कि जो इस समय काला कानून चल रहा है ये गलत है, शेष जो बसेस के कांड हो रहे हैं इसी के चलते आज हमने हड़ताल की है। इस मौके पर ड्राइवर बलबीर सिंह, साबा जस्सा सिंह काला, कमल प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे। आज काला कानून जरा चलन दिया जी, रोज गड्डिया बंद हो रिया, कार्ड दे बसा दे कुड़िया दे, इदा करके बंद होने लगा सर। प्रशासन ये कहने वे कानून चंगा बनना चाहिए जरा, साडे नाल धक्का होण दिया ना होवे, संगत परेशान। हाँ, ड्राइवर कंडक्टर ने तो जेलां जान दिया, धक्का होण दिया। साड़ी प्रशासन अगे यो अपील है ड्राइवर कंडक्टर की ट्रांसपोर्टर की, जो साढ़े ना धक्का हो रहा ये धक्काशाही बंद की जाए, वधिया कानून बना के सानू इंसाफ दवाया जाए। महाराज अभी बड़ी परेशान है, अपने रिश्तेदार जाना दे, किसी के कोई डैथ हुई होंगी, किसी के कोई बीमार होंगे, जब जाना बड़ी परेशानी होंगी, कोई बस नहीं, कोई टेंपू नहीं, कोई सब हड़ताल आ, बहुत परेशानी आँगी है, जाने को बड़ी तंगी आ। इंदिरा कॉलोनी में अपने कपड़े की दुकान पर बैठे भाजपा नेता तलविंदर भाटिया पर कल शाम 6 बजे के करीब 15 लोगों ने हमला कर दिया। इस बीच तलविंदर भाटिया और हनी जख्मी हो गए और उनके भतीजे के सिर पर गोली लगी है। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके का मुआयना करने के लिए एक घंटे के अंदर ही ADCP केतन पाटिल और SHO विविंदर महाजन, SHO सुखविंदर। बड़ी माड़ी घटना हुई है, जो अटैक होया बंटी पार्टी है, साढ़े भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अच्छा कार्यकर्ता, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता साढ़ा, वो घर से अटैक होया, काफ़ी गोलियां वगैरह चलिया। मैं उतों बाद देखा एक बेटा वह अंदर आ जो गोली लगी है, होश नहीं गा, वो पता नहीं कि किन्नी किस कंडीशन, सीरीयस कंडीशन ज। उस तो अलावा बंटी पार्टी खुद जरा काफ़ी कृपाना दातर बजे आ, दुकाना तहस नहस आ, घर के उपर सारे शीशे टुटे आ, जो मैं वेख्या तो मैं तो समझदा कि गुंडागर्दी के इंतहा वा है। उस तो पहला भी मेरा ख्याल इन्हों का झगड़ा होया, जिन्ह ने हमला किया वा वो एक महीना मेरा ख्याल जेल च रह के आया, बेल आउट होया। अज वाली तो घटना बहुत निंदन योग आ, बाकी पुलिस ने बहुत जल्दी अपनी कार्रवाई शुरू की है। मेरी अपनी खुद उस वे मैं फोन आया, जो कमिश्नर ने मेरी गल हो गई, कमिश्नर पुलिस ने
ADCP केतन पाटल DSP SHOs काफ़ी पुलिस जी है सारी मौके पर पहुँच गई है, पर मेरे ख्याल सारे फरार हो गए हैं, घर कित कोई लुकया लुकया हो कह नहीं सकते, बाकी देखते हैं की हों। आप देखा भी पुटे रोड़े चढ़ाने बंद उन्हें आप उस 15-20 जने तत् लग पे साड़ी गलिया च, ये विक्रम कोहली भरा शाम अपना सनी कोहली प्यो शाम कोहली अचानक भाई मैं हनी क्वार्टर की दुकान से रीचार्ज करवा गया तो उधर कोहली 20-25 जने बंदे से जिन्हें अचानक आके हमला कर दिता तो सत जन ने मैं कल्ले घेरा पा लिया तो उस तो बाद भाई कई ने हाथ से दातर कृपाना खंडे ही तो एक ने भाई दो जने के भाई हथियार है गए सिक्सर है गए तो उन्हें भाई पहला तो मेरे से चलाया मैं थले बह गया कच्च से वज गई गोली। उस तो बाद जिस तरह कोठे तो उन्हें इट्टा चलानिया शुरू की साडे बंदियां ने उन्होंने उसी टाइम बाद उत्ते मारी जिसका मणि भाटी के दिमाग की उत्ते तो भाई छू के लगी है विक्रम कोहली ही भाई तो शाम कोहली उन्होंने जाने की फैमिली ही तो नाल सर उन्होंने नाल 20-25 अणपछाते ही तो बंटी बोबी भी ये अज शामी बंटी तो एक कोहली परिवार का आपस च झगड़ा होया आ इन्हों का पहला भी एक दूजे के बरखला परचा दर्ज है तो अज उन्होंने आके घर से अटैक किया गोली भी उन्होंने चलाई है तो सट्टा भी मारियाँ इन्हों के भतीजे तो इन्हों का एक नज़दीकी आ हनी है उन्होंने सट्ट लगी है उन्होंने बयान कलमबंद करके जी बनती कार्रवाई कर रहे हैं। दोषियों का नाम विक्रम कोहली है, एक का नाम शाम कोहली है, एक का यदि पा का नाम अनु कोहली है, वाइफ हैगी है, एक साल आया नाल पांच बंदे बाई नेम है, बाकी और 8-9 बंदे अणपछाते हैं। यदा जो हरदीप सिंह है वो थोड़ा शरे लगे है, ਇਹਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਕੀ ਵਾਰਡ ਮੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਕਾਮੋਂ ਕਾ ਕੱਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਲੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮੂ पार्षद विक्की कपूर पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौधरी और बलविंदर सिंह मीराकोट को बुलाकर रोष जताना शुरू कर दिया। वहीं इस पर पार्षद मिंटू का कहना है कि पूर्व पार्षद सुखदेव सिंह चाहल ने फिर से उसी इलाके का उद्घाटन करके लोगों को गुमराह किया है। अधिकारी आया वा के इत्थे सड़क दा उद्घाटन हो रहा वा, इत्थे चाहल साहब वालों लोगों को गुमराह किया जा रहा कि मैं सड़क का उद्घाटन करा रहा, पर ऑलरेडी जो सड़क का पहलों भी उद्घाटन अं कर चुके हैं, वार्ड के सारे मोहतबर और वार्ड निवासी जिन्हें भी आ सारे ने उद्घाटन किया सड़क का आदर्श नगर का, कि वह सड़क घट्टो घट महीना पहलों शुरू करवाई सी, फिर वो इन्होंने अड़चन पा दी जोड़ा काम रोक गया, फिर असी शुरू करवाया काम, पर अज की तरीक के लोगों इन्होंने गुमराह कर दिता। मौजूदा कौंसलर होने के नाते मैं इन्हों यही अपील करता वा कि इस काम के कोई अड़चन ना पाई जाए ता जो लाका निवासियों किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। यदि चाहल साहब ने अपने तौर पर इतने आके लोगों कत्तर करके गलत अफवाह डा के इतने जोशी साहब आने लगे आ जा इतने सरकारी अधिकारी आने लगे आवे अपने वालों ही उन्होंने कोई नेम प्लेट लाई है ज नहीं लाई ये बारे नहीं जानकारी, पर इतने कोई भी अधिकारी नहीं आया ना ही कोई लीडरशिप कोई इतने आई आ साडे नाल साडी अकाली दल की लीडरशिप और सारी वार्ड निवासी साढ़े नाल इत्थे इकट्ठे हो गए खड़े ने कि यह काम जिहड़ा वा इस विच अड़चन नहीं पैण दित्ती जाऊगी, असीं भी इस चीज़ नाल सहयोग करांगे कि जिथे भी कोई काम हुंदा वा असीं नाल खलोवांगे। आ गया उद्घाटन करन दा अधिकार उहनूं हुंदा जिहनूं लोकां ने चुणिया होवे, लोकां दा चुणिया नुमाइंदा अधिकार जिहड़े दिंदे आ ना लोक दिंदे आ उद्घाटन, आपणे आप लीडर जिन्ना मर्जी उद्घाटन करी जावे उह गिणिया नहीं जांदा, लोकां ने जिहड़ा अधिकार दित्ता उह मिंटू नूं दित्ता वा और इहने उद्घाटन कीता वा इहदा और इह ऑलरेडी काम चल रिहा वा, ये हक ही नहीं बनता आ तरह दखल अंदाजी करे, यदा अपना वार्ड है उसे जाके करावे जिस तरह मर्जी करावे, लेकिन दूरे के वार्ड चाण के तरह दखल अंदाजी करनी गलत वा और असं इन अपील करते हैं कि लोगों ये जी तंगी आँदी है लोगों ना इस तरह परेशान करन और काम को स्मूथली चलन दे। रोड ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी सवारी बस अपनी रफ्तार से बेकाबू हो गई और बस चालक पंजाब भर में एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि बठिंडा में एक बस चालक पर पुलिस ने नाजायज तौर पर लादियों को छोड़ने का मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि आज यहां पर उनको काफी मुश्किल हो रही है और इन बस चालकों का सरकार से कोई विवाद है तो वह सरकार से बात करे, आम जनता का इसमें क्या कसूर है। मामला ही न्यू दीप की गड्डी आन रही बठिंडे तो राजा नगर कीर्तन लगा आया ही, उन्होंने जाम लाया पुलिस वाले ने गड़ी रोंग साइड बाहर ही दो कुड़ियां बैठिया ही अगले अड्डे उन्होंने उतरना ही, उन्होंने कहा भी मतलब सही अगले अगले अड्डे उतरना, गड्डी रोंग साइड पाने करके वो अड्डा क्रॉस हो गया, उतो अगले अड्डे की गड्डी चल गई,
बट उन्होंने कहा भी सानू कुड़ियों ने कहा भी सानू उस अड्डे ही उतार गया वो बस वाले कहते भी हम गड्डी साड़ी टाइम दे लगी आ अं अगे जाना आई उसे उतार नहीं सकते उन्होंने अगले अड्डे कुड़ियों उतारा तो उन्होंने उन्होंने मतलब कंप्लेन करती थाने से जाके कहते भी अं ये मतलब सानू कंडक्टर ने मिसबिहेव किया गलत बोलिया आ ये ड्राइवर ने गलत बोलिया आ ये भी उन्होंने पुलिस वाले ने परचा कटता ड्राइवर कंडक्टर के उत्ते जिंद वजह कारण अज हड़ताल की हुई है मंग भाजी यो भी उन्होंने परचा खारिज किया जाए वो दोवें कंडक्टर ड्राइवर जोड़े निर्दोष है उन्होंने उत्ते गलत इल्जाम लाया आ तो एक संगत बहुत खजल खराब हो रही है जी घरों संगत तैयार होगी उन्होंने थोड़ा पता हड़ताल है हड़ताल खोलनी चाहिए है माड़ी गल है हड़ताल की जो एड्डी दूर संगत चल के आई दुनिया आई है तो किधर जाए किधर ना जाए जिन्हें इन्हों को समान फड़े होंगे ना कद आन जाएगा ना कोई जा रहा ये मेरे वीर भरा सारे मैना सवेर से बहुत खजल खराब हो रहे हैं सवेर के बिना कई बैठे ने कहते कहते हूँ बसा हड़ताल खुले तो हूँ जाइए कोई कोई जगह तो आया कोई कोई जगह तो आया ये बहुत ही माड़ी गल है मैं तो कहना जल्दी से जल्दी ये मैंने हड़ताल खोलनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाला बिजली विभाग आज एक बार फिर अपने निंदनीय कारनामा के साथ शर्मसार हुआ है जिसमें कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। इस मामले में एक आम आदमी जिसका कि विभाग से कोई लेना देना नहीं था उसकी जान चली गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत करंट लगने से हुई है और वह इस बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं था। घरों अपनी दवाई लैन वास्ते बटाले दाड़ बनाने वास्ते गए आ अजे इत्थे की आए आ ते बत्ती वालियां दा फोन इन्हां नूं किते चल गया वा इन्हां बच्चा मेरा नाल वा एक इत्थे ही इन्हां ने पता नहीं पिछों सोच नहीं कट्टिया ते इन्हां नूं चढ़ा दिता वा कंबियां दे उत्ते बच्चा कोल खलोता रहा बच्चे उत्तों इन्हां दा हथ लमकिया ते कहिंदा कि जदों उन्हां पौड़ी मारदा रहा थल्लियों कि मैं पौड़ी नाल छड़ा लां पर ओह जदों डिगे आ डिगदियां ही आ मत्था पाट गया पूरा मुड़ के उत्ते मुक गए नहीं बिजली वाले बोर्ड च नौकरी नहीं करते काम ही बत्ती बिजली का जान दे उन्हां बिजली वाले नहीं नाल खड़िया वा उन्हां नाल ही गए काम ते मिल च काम करते मेरा कोई साधन नहीं है कोई भी कमाने वाला मैनू आसरा चाहिए मैं बच्चों नूं कित्थों कमा के देना ही उन्नी क दिहाड़ी करते जिन्नी क अहीं खा ही लैनी। डिफ स्कूल के नेड़े जिहड़ी घटना हुई है बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जिस विच एक आदमी की डैथ हो गई है। इस मौके के दसण मुताबक बिजली नाल हादसा वापरिया पर जो मैं पता लगा तो मैं मौका देख के इतने बिजली घर आया इतने भी इन्हों का रिकॉर्ड जरा छानबीन किया जा रहा स्टाफ तो भी पूछ पड़ताल की जा रही है तो लोकल जिन्हें भी उस एरिए रहने वाले उन्होंने तो भी पूछ पड़ताल की जा रही है तो रिकॉर्ड के मुताबिक तो बिजली घर तो जी लाइन जे रविंदर सिंह ने परमिट लैके बंद कराई हुई सी अर्बन फीडर भी तो रूरल फीडर भी फिर भी ये करंट आया तो ये बारे पड़ताल करने की बहुत ज़्यादा लोड़ आ जो भी होया बहुत ही मंदभागा हो जो भी कंपनसेशन हुई जे बिजली बोर्ड साडा डिपार्टमेंट की शमूलीयत पाई गई तो उन्होंने मुआवजा जिहड़ा सरकार कोलों जां डिपार्टमेंट पासों दवाया जाऊगा तो जेकर मुढ़ली अनुसार तो यही पता लगे कि प्राइवेट परसन से वो महकमे का कोई मुलाजम नहीं सर। अज सवेरे गुरचरण सिंह सानो कुंदन सिंह जाटवासी बुटर सीवियाँ जिहड़ा बिजली बोर्ड के मुलाजमान हायर सीगा लाइन पर काम कर रहा है जो करंट लगन कारण मौत हो गई है यह है करंट लगन कारण इसकी मौत हुई है अगले जो ये बयान लिखाते हैं इन्होंने बारे कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मेयर श्री बख्शीराम अरोड़ा तथा नवजोत कौर सिद्धू ने किया वार्ड नंबर 26 में ट्यूबवेल का उद्घाटन। निजी बस चालकों ने किए बस के चक्के जाम, नजायज हो रहे हैं पर्चे, दर्ज पर्चे किए जाएं रद्द, कहा बस ड्राइवर्स ने। एक बार फिर सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।